कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि कोई भी जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं ये हमारे महापुरुषों की हत्याओं पर हिंदू मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो पिछले दिनों चूंकि दिवाली मनाई गई, हमारे बौद्धों में दिवाली का कोई, अम्बेडकरवादियों में दिवाली का कोई उत्सव नहीं है, लेकिन जो लोग चोरी छुपे दिवाली मनाते थे उन लोगों ने खुलकर के दिवाली मनाने का एक दीपदान उत्सव नामक से बीमारी का जन्म दे दिया समाज में। क्या आप दीपदान उत्सव मना सकते हैं? तो बस मेरी चार पंक्तियां मैंने उस विषय पर लिखने की कोशिश की कि दीपदान मने या मने दिवाली, दीपदान मने या मने दिवाली, खर्च पहले के जैसा और सच बोलूं तो दीपदान का, सच बोलूं तो दीपदान का, ए जी शोर दिवाली जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा दीपदान मने या मने दिवाली, के नाम बदल कर काम वही है, नाम बदल कर काम वही है, जैसे पता बदल कर काम वही है, जैसे गिलास बदल कर जाम वही है, और नशा पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, ए जी शोर दिवाली जैसा दीपदान मने या मने दिवाली, के किसकी दिवाली किसका दिवाला। मैंने बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ लिखा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया, 2 नवंबर 1956 को दिवाली आई थी, बाबा साहब ने दिवाली नहीं मनाई थी। तो तुम कौन से पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों जो दिवाली मना रहे हो? बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के समाज में, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा त्योहार है। तो मैंने कहा कि किसकी दिवाली किसका दिवाला, किसकी ताली किसका ताला, जैसे किसी की साली किसी का साला, ये रिश्ता कैसा कैसा, अरे सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा दीपदान मने या मने दिवाली, ए जी खर्च पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, कि हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है। जिन लोगों ने बाबा साहब के साहित्य को पढ़ा वो बताएं कहाँ लिखा दिवाली मनाना, कि हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, बाबा साहेब ने लिखा नहीं है, और हमारी कुछ खता नहीं है, ये भोल तमाशा कैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, ए जी शोर दिवाली जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा दीपदान मने या मने दिवाली, ए जी खर्च पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, के आओ पहले प्रूफ करो। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, मेरा पूरा साहित्य बड़ा बाबा साहब से संबंधित, ये बहुत धम की बात करते हैं, मैं कहता हूं प्रूफ करो किस पेज पर लिखा है।
कि आओ पहले प्रूफ करो, नहीं तो जाके डूब मरो। और राहुल सच को खूब कहो, ये ढोल ये शोर गवारो, जैसा सच बोलूं तो दीपदान का शोर दिवाली, जैसा सच बोलूं तो दीपदान का ए जी शोर दिवाली, जैसा दीपदान मने या मने दिवाली, खर्च पहले के जैसा सच बोलूं तो दीपदान का। अब ताली बजा सकते हैं।